Hey guys, welcome to my YouTube channel. और आज हम खेलने जा रहे हैं Mind Tricks with Awais. और आज होने वाला है घमासान कॉम्पिटिशन और ये रहे contestants. Let's see कौन होगा विनर. आपको क्या लगता है कौन होगा? मुझे शायद पता है पर आप देखो. चलो let's go. Round one. So the first round, इसका नाम है Quickie Round. और इसमें देर इज नो टाइमर वाइमर नथिंग. यू कैन टेक योर ओन स्वीट टाइम. पर जो सबसे पहले क्लैप करके आंसर करेगा उसको मिलेगा 10 पॉइंट. और पहला क्वेश्चन फॉर माइंड ट्रिक्स विद अवेज इज, जॉन की मां के चार बच्चे हैं, अप्रैल, मई, जून और आई थिंक जिशा ने पहले बजाया. यस टेल मी. सेकेंड हम लोग ने जुलाई. एंड द आंसर इज रॉन्ग. ताली बजाना है, ताली बजाना है. तुम्हारे बजाया, बोलिए जॉन. यस द आंसर इज जॉन. और 10 पॉइंट मिले हैं मिराज कर को. जॉन की मां के बच्चे हैं, जॉन की मां के चार बच्चे हैं जिसका नाम है अप्रैल, मई, जून और जॉन. जुलाई जॉन. ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट, अभी सबसे पहले लीड कर रहे हैं द मिराजकर्स. और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन जाएगा आगे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू गाइस रेडी? म्यूजिक, मजेदार म्यूजिक है. ओके सो एस एच ओ पी क्या होता है? Shop. Very good. नहीं अभी क्लैप नहीं कर. ठीक है ना क्लैप. S H O P क्या होता है? Shop. Shop. मुंह से बोलो, जोर से बोलो. Shop. Yes. और जोर से बोलो. Shop को क्या बोलते हैं? Shop. Very good. तो आप I want to change my partner. Shop को बोल रही है. क्या क्या क्या? मेरे को P O सुनाई दिया. Wow, international. एस एच ओ पी होता है शॉपो. वाओ आई लाइक दिस. तो दरबार फैमिली पक्का हारने वाली है, ये गारंटी है. ये हमको अभी समझ में आ चुका है. ओके सो एस एच ओ पी पूरा कंप्लीट करो तो होता है शॉप. ओके और जब आप ग्रीन सिग्नल लाइट पे जाते हो गाड़ी लेके तो क्या होता है? नगमा मिराजकर जी बोलिए. गो गो गो. यस गो इज द राइट आंसर. आप लोगों ने कैसे पता, सच्ची बताना. लेकिन नगमा मिराजकर बहुत ही शातिर चल रही है. इसी के साथ मिराजकर चैलेंज अलोन प्लीज. नो इट्स विद टीम वर्क. वही दिखाना चाहते हैं हम, टीम वर्क कैसे होता है और कैसे किया जाता है इस मैच में. Shopo was beautiful. I love that answer. मजा ही आ गया. वो भी स्टार्ट. ओके तो अभी मैं बता दूं मिराजकर 20 पॉइंट पे चल रहे हैं. द नेक्स्ट राउंड इज, एक इंसान जिसका नाम है सुल्तान, वो लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. वो असली गन लेके बाथरूम में जाता है और आंखों के बीचों बीच गोली चलाता है. और 10 मिनट के बाद बाथरूम से जब वो बाहर आता है तो वो जिंदा रहता है. ऐसे कैसे? अनीशा वो मिरर पे गोली चलाया था. यस एंड द आंसर इज राइट. दिशा हैज गॉट दिस पॉइंट. और इसी के साथ 10 पॉइंट्स टू दिशा, 20 पॉइंट्स टू नगमा मिराजकर एंड अंडा टू दरबार. और बहुत ही मजा आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है आज यही अंडा दरबार फैमिली इफ्तारी में नहीं सहरी में खाएगी बहुत मजे से. ये बहुत प्लान कर दिया गाइस. ओके ओके लास्ट वन. आर यू गाइस रेडी? इनफैक्ट मुझे मजा आ रहा है. मैं और दो छोटे छोटे पूछ लेता हूँ, मजा आ रही है. ओके सो हियर वी गो. ओके सो देयर आर 60 कप्स ऑन अ टेबल, वन फॉल्स डाउन, तो कितने टेबल पे बच गए? 60 कप्स ऑन अ टेबल, वन फॉल्स डाउन. तो टेबल पे कितने बच गए?
किसने बजाया? अनम ने। मैं बजाया था पहले। अनम ने बजाया पर मेरे कंफ्यूज चल रही लाइफ में। 9 तो बड़े यार 60 टेबल्स पे है कप, 1 फॉल्स डाउन। हां पर उसे ये भी बोला कि कप फॉल्स डाउन, कोई और भी गिर सकता है। अनम मैंने कप ही बोला। ओह नो। ओके सो नेक्स्ट विल बी नगमा क्योंकि लोग ने बजाया। बोलो हाँ बजाओ मोहम्मद अली जी बताओ। मैं रैंडम गेस दे रहा हूँ। 60 टेबल पे टेबल पे गिरा शायद वो। नहीं रॉन्ग है तो जिशा यार क्या बोला मोहम्मद सबके आंसर रॉन्ग है। हिंट लेना है किसको अभी फटाफट ताली बजा सकते हो। जिशा ने पहले बजाया। अच्छा तो ओके तो अगर अनम ने बजाया है तो इसको मौका दे देते क्योंकि वो अभी जीरो पे चल रहे। ओके तो मैं आपको बता दूं कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। 6 टी कप्स टेबल पे है और 1 फॉल्स डाउन। एक मिनट नगमा बोलेगी, अरे अपना अनम बोलेगी क्योंकि उसको दिया है चांस। एंड द आंसर इज राइट। इसी के साथ मिराज कर्ज है 20 पॉइंट पर। दरबाज फाइनली अंडा छोड़कर थोड़ा ऊपर आ गए हैं। दरबाज ने हिंट लिया था तो -5 होता है तो उसके साथ मिलता है 5 कप। तो दरबाज का 5 ओके पर एटलीस्ट चलो कोई बात नहीं। बाय द वे देयर वाज नो हिंट इन द फर्स्ट राउंड बट आई हैड टू गिव क्योंकि किसी को नहीं आया। अब हम जाने वाले हैं सेमीफाइनल राउंड की ओर जहां पे आप में से कोई एक जन हमें छोड़कर चला जाएगा। मुझे क्यों लग रहा है हमें बहुत मुझे तो बहुत बुरा नहीं लगने वाला है, आप लोग को लगेगा फॉर श्योर। तो हम जाते हैं सेमीफाइनल की ओर। आर यू गाइस रेडी? सो अब हम सेमीफाइनल की ओर पहुंचते हुए ओके सो सेमीफाइनल राउंड में आपका पहला प्रश्न। सपोज करो आप एक डार्क रूम में एंटर करते हो एंड यू गेट अ रियल लैंप, अ न्यूज़पेपर एंड अ कैंडल, तो आप खुद सबसे पहले क्या लाइट करोगे? ओके जिशा मैं सपोज क्यों करूं कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अरे लैंप बजाया नहीं आपको कुछ तो लाइट करना ही है। तो अभी नेक्स्ट कौन है? मुन्नो के लिए क्वेश्चन ये रहा। सो सपोज करो आप एक डार्क रूम में एंटर करते हो एंड देयर यू गेट अ रियल लैम्प, अ न्यूज़पेपर एंड अ कैंडल, तो आप खुद सबसे पहले क्या लाइट करोगे? तू ही है क्लैप क्यों बजा रही पता नहीं तू ही है बोल दे। श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक लाइट्स तो होगी ना सर। डार्क रूम बोला उसने ना तो कैंडल। हाँ बोल बोलो मैं वेट कर। ओके तो आंसर इज रॉन्ग। व्हाट आंसर इज रॉन्ग? मोहम्मद अली। बता दूं आपको इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं है। मतलब लाइट मतलब बटन स्विच ऑन करेंगे। नो रॉन्ग। नेक्स्ट कोई गाली बजाएगा। लास्ट लाइन एक बार क्वेश्चन का लास्ट लाइन बोलो ना। तो आप खुद सबसे पहले क्या लाइट करोगे? नगमा बोलो। माचिस। यस माचिस इज द राइट आंसर। तो मैंने बोली माचिस। ऐसा नहीं होता ताली मार के बोलना होता है। उसने कैंडल बोल दी। जब ताली मार ना, तो ऐसा होता है कि आपको बोलना है कि मेरा आंसर है मैचस्टिक। ऐसा नहीं बोला है ये माचिस हो सकती है ना
इसका मतलब मेरे को मालूम नहीं है कि आपने आंसर दिया है कि नहीं, इसका मतलब आप कंफ्यूज हो। और अनम ने बोली कैंडल, तो हमने कैंडल में गया। सो सेमीफाइनल का पहला राउंड जीतते है नगमा जी, जो है मिराज का फैमिली। यू गॉट बट वी टुक अ हिंट आउट ऑफ 20, यू गॉट 15, तुमने एक हिंट लिया है, तो आपको 15 मार्क्स मिलते हैं फॉर दिस राउंड। ओके द नेक्स्ट राउंड, आर यू गाइस रेडी? यस। सेमीफाइनल का दूसरा प्रश्न, एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड इंसान ये दावा करता है कि वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि किसी भी फुटबॉल मैच का एग्जैक्ट स्कोर बिफोर इट बिगिंस, एंड सरप्राइजिंगली ही इज ऑलवेज राइट। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या वो मैजिशियन है? मतलब वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है? कौन बजाया? मुंजरीन। ओके मुंजरीन बताइए। शायद उसका नाम मिस्टर राइट है। ओ भाई मारो मुझे मारो। आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट किसने बजाया? मुंजरीन यार। हाँ बोले बोलो। क्योंकि मैच से पहले हमेशा स्कोर 0-0। एंड द आंसर इज राइट। थिंग इज 0-0। गेम के पहले हमेशा स्कोर 0-0 होता है, इसकी वजह से वो हमेशा प्रिडिक्ट कर सकता है कि गेम में 0-0-0-0। योर आंसर वाज वेरी नाइस मिस्टर राइट, क्योंकि वो हमेशा मिस्टर राइट है इसकी वजह से। तो कल मैं उठ के मेरा नाम मिस्टर राइट रख दूंगा, तो मैं भी सारे नाम सही दूंगा। क्या बात है मुन्नु दीदी, लोग किल कर रहे हैं ऊपर वाले। ओके तो आर यू गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड? यस हम गो रेडी। निकालो मत अभी, अगर आया तो अच्छा। आई लुक एक कोई बोनस राउंड अपना कि मैं फर्स्ट पे आ जाऊं। श्योर। ओके ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, या शायद नहीं भी होगा। यू नेवर नो, इट डिपेंड्स। अगर आप गौर से सुनोगे तो आपको आ जाएगा, नहीं सुन पाए तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स। ओके, सो एक लड़की होटल रूम में रेस्ट कर रही थी, अचानक से किसी ने डोर पर नॉक किया। जब उसने डोर ओपन किया, उसने देखा एक अननोन इंसान था जो एकदम सरप्राइज्ड, मतलब शॉक था, बोला ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा ये मेरा रूम है। उसने वापस टर्न किया और एलिवेटर्स की तरफ चला गया। वो लड़की ने फिर भी सिक्योरिटी को कॉल किया और बोला मेरे यहाँ पे कोई इंसान आया था और वो आदमी शायद क्रिमिनल है। ऐसे क्यों? ओके जिशा जी बोलिए। वो कुछ चोरी करके लेके चला गया था वो लड़की के पास से। गलत जवाब। ओह नो। मिराज जो है रैंडम गेस मार रहे हम लोग। ओके वो गलत होटल में आ गया था। मतलब उसने होटल का नाम गलत बताया था? नहीं गलत भी गलत होटल। अरे ठीक है ना जी। वो गलत होटल में आया था पर फिर भी उसको क्रिमिनल बोला उसने। ऐसे क्यों? ऐसा क्रिमिनल बोला? हाँ उसने सिक्योरिटी को फोन करके बोला। ओके करण बोलो। उसके पास वो चाबी कहाँ से आ गई उसके दरवाजा खोलने की? नॉक किया था डोर। मोहम्मद अली। यू वांट अ हिंट? यू वांट अ हिंट? ये लोग दरबार लोग हिंट के नहीं मार रहे, थोड़ा तो पॉइंट लो। ओके इन दिस द हिंट इज लाइक दिस, सॉरी बोलता है, ऊप्स आई एम सॉरी, ये मेरा रूम नहीं है। एलिवेटर्स की तरफ चल के जाता है। होटल रूम में एलिवेटर ना जाए, अब एलिवेटर लिफ्ट होता है। 2 आवर्स लेटर। 2 मिनट कुछ हो रहा है पेज में। सेम। 6 आवर्स लेटर। एलिवेटर की तरफ चल के आता है उसमें कुछ नहीं होगा। चलते आता है एलिवेटर पे थोड़ी जाता है, के तरफ जाता है ना, उस पे से नहीं जाता है ना। क्योंकि वो अगर रूम ढूंढ रहा है तो वो एलिवेटर के पास क्यों जाएगा? मतलब उसका वो फ्लोर पे अगर मतलब वहाँ ऑलमोस्ट वही है, पर ऑलमोस्ट वही है। अगर वो फ्लोर पे उसका रूम होता तो किसने ताली बजाया? तुम लोग का एक हो गया। हाँ मुंजरीन बोल। क्या वो होटल स्टाफ का स्टाफ बॉय था? गलत गलत। रियली निगर। एबा क्वेश्चन। हाँ मोहम्मद अली। अगर उसका रूम वो फ्लोर पे होता तो वो ढूंढता, वो एलिवेटर की तरफ जाके भाग गया।
उसके पास गन वन भी था। भागा तो सबको मालूम है भागा वो। ओके तो मैं बता दूं ये वाला आंसर। हाँ बोलो एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना। वो फ्लोर पे शायद एक ही रूम होगा। नहीं तो उसे क्रिमिनल। एक लास्ट बार बोलता हूँ। एक लड़की होटल रूम में रेस्ट कर रही थी, अचानक से किसी ने डोर पर नॉक किया। जब उसने डोर ओपन किया तो उसने देखा वहां एक अननोन इंसान था, जो एकदम सरप्राइज हो गया और बोला, ओ नो आई एम सो सॉरी, मुझे लगा ये मेरा रूम है। उसने वापस टर्न किया और एलिवेटर्स की तरफ चला गया। बट फिर भी उस वुमेन ने होटल सिक्योरिटी को कॉल करके कंप्लेन किया। कौन किया? हाँ बोल। उसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। ओके तो ये रहा, आई थिंक ये वाला जब्त होता है कोई नहीं दे पाया। सो आई वांट टू टेल यू, पहली बात तो ये है, अगर वो उसका खुद का रूम होता तो वो नॉक क्यों करता? उसके पास चाबी होती, वो खुद से चला गया होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतना सिंपल है, वो उसका खुद का रूम है होटल का, तो उसके पास चाबी होगी ना। ऑफ कोर्स वो नॉक क्यों करेगा? सो क्रिमिनल्स बेसिकली ऐसे पकड़े जाते हैं ऐसे चीजों से। चलेगा ये याद रखना, नेक्स्ट टाइम आप हम सबके साथ हम मरे जाएंगे, ये पक्का है। जबकि ऐसे हमेशा याद रखना, कोई भी आपके यहाँ पे नॉक करके जाएगा तो आपको ये समझना है कि भाई पहले तो होटल, आप एक होटल में हो और अगर कोई रूम नॉक करता है कि और बोलता है कि वो मेरा रूम नहीं है, तो ऑफकोर्स एक अननोन इंसान किसी के रूम में आया था। सो मैं बता दूं ये राउंड कोई भी गेस नहीं कर पाया, तो फाइनल राउंड में क्या होगा? फाइनल राउंड में क्या होगा पता नहीं, पर एक लास्ट सेमीफाइनल राउंड में आप लोगों से पूछना चाहूंगा। ये आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर लेट्स सी इफ यू गाइस कैन आंसर दिस ऑर नॉट। आर यू गाइस रेडी? यस यस। मेरे को तुम्हारी हार्ट बीट यहां तक सुनाई दे रही है। और सेमीफाइनल का आखिरी प्रश्न ये डिसाइड करेगा कि फाइनल्स में कौन सी टीम आगे जाएगी और कौन सी टीम घर जाएगी। What was the tallest mountain in the world before Mount Everest was ever discovered? Mount Everest. क्योंकि उसको discover नहीं किया था किसने? And the answer is right. Mount Everest is the right answer. सबसे पहले ताली। क्योंकि Mount Everest के पहले कोई अगर discover ही नहीं हुआ था तो Mount Everest ही होएगा ना? एक आखिरी round में आप लोगों को दूंगा ये round में survive करने के लिए। अभी इस round में मिराज का spot नहीं लेंगे। This will be between किस्सा versus दरबार्स, जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी टीम यहाँ रहेगी हमारे साथ में और कौन सी टीम अपने घर पे रहेगी फोन ऑफ करके। ये है दया राउंड। सो द क्वेश्चन इज, तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट आने वाला है बहुत ही जल्दी, पर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी टीम हो जाएगी बाहर, टीम दरबार या टीम किस्सा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट। टेक केयर, लव यू ऑल।